सदस्यगण की चर्चा पूरी हुई, अब माननीय मंत्री जी अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे जी। सम्माननीय स्पीकर महोदया, सबसे पहले मैं सभी सम्माननीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। केवल ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर बहुत अच्छे अच्छे सुझाव विशेष रूप से इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए उन्होंने दिए, और उनका ये मार्गदर्शन आगे की भविष्य की नीति बनाने के लिए बहुत उपयोगी होगा, और इसलिए मैं हृदय से सभी सम्माननीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। सम्माननीय स्पीकर महोदया, हम सब सोशो इकोनॉमिक थॉट्स जो है वो महात्मा गांधी जी को हमारी विचारधन के रूप में उनको स्वीकारते हैं। गांधी जी ने ये कहा था कि वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस। हमको उत्पादन भी चाहिए और रोजगार भी चाहिए, और स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये कहा था कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उन लोगों का पहले विचार होना चाहिए जो आखिरी पायदान पर खड़े हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जी भी अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन में यही बात कही थी, और इसी बात को केंद्र बिंदु मानकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने जो नीति इसकी बनाई है उसका सार भी इसी विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही इसका पूरे पॉलिसी का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है। सम्माननीय स्पीकर महोदय, मैं छोटा सा उदाहरण बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर गरीब आदमी को टेक्नोलॉजी मिलती है तो उसका फायदा कैसे होता है। मैं जब 5 साल पहले ट्रांसपोर्ट मंत्री बना तो हमारे यहाँ आदमी आदमी को खींचने का काम करने वाला साइकिल रिक्शा था, और 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने का काम करते थे जो अमानवीय था, जिसमें आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में कहा था, जब मैं बिल मैंने रखा था, कि ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं इस रिक्शा में कभी नहीं बैठूंगा, और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा बंद हो जाएगी वो इस देश का सुनहरा दिन होगा। और हमने निर्णय किया, एक्ट लाया और मैकेनाइज ड्रिवन ई रिक्शा लाया। 1 करोड़ लोग आदरणीय महोदय ये आदमी आदमी को खींचने का काम कर रहे थे, और मुझे ऐसा तो क्लासिफिकेशन करना उचित नहीं होगा, पर उनमें से 70% लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे। और आज आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, सब जगह पर जाइए, ये जो आदमी आदमी को चलाने वाला ई रिक्शा रिप्लेस हुआ है मैकेनाइज ड्रिवन ई रिक्शा से, 1 करोड़ लोग थे जिनको टेक्नोलॉजी ने जीवन दिया। और हमारा प्रयास है, और आपकी बात बिल्कुल सही है, कि मैंने आग्रह से ये कहा है कि अर्बन एरिया में हमारे उद्योजकता और उद्योग को विकसित करना और रूरल एग्रीकल्चर में डेवलप करना, इसका अलग विचार करना होगा। हमारी 30% पॉपुलेशन जो है वो ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में, ट्राइबल सेक्टर में है, और जो रोजगार के लिए शहरों में आई हुई है, और इसलिए हमारा पहला इम्फोसिस है कि इसी विचार के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में, और जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है उसके लिए हम कैसे काम करें। और उसीलिए हमने निर्णय किया कि 400 स्टेशन पर जो खुल्लड़ थी उसके ऊपर चाय देना मैंडेटरी करने का निर्णय किया। उसी के आधार पर निर्णय किया कि 4,000 करोड़ की लकड़ी की काड़िया अगरबत्ती की इम्पोर्ट हो रही थी। मैं कभी कभी बहुत विनोदी एग्जाम्पल है, आप लोग आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम खाने का जो चमचा था वो भी चाइना से इम्पोर्ट हो रहा था, तो मैंने मजाक में कहा कि हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है कि वो भी आ रहा। तो हमने उनके ऊपर अब 30% ड्यूटी लगाई, और ड्यूटी लगने के कारण अब लगार अगरबत्ती की काड़िया ये सब जो है इसको प्रोत्साहन खादी ग्रामोद्योग के अंदर मिला। जयराम रमेश जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि खादी ग्रामोद्योग हमारे लिए, विलेज इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पहली बात ये कि हमारे देश में MSME बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश का 29% GDP ग्रोथ में MSME का कंट्रीब्यूशन है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग में 33% MSME का कंट्रीब्यूशन है। हमारा एक्सपोर्ट 48% MSME में होता है,
और करीब 11 करोड़ से 12 करोड़ जॉब अभी तक एमएसएमई ने क्रिएट किए हुए हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये करते समय ग्रामीण कृषि और विशेष रूप से कॉयर का उल्लेख आपने किया, इसके लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको विश्वासपूर्वक बताना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकता है गांव की ओर चले, जंगल की ओर चले, ट्राइबल है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, कोई व्यक्ति को वहाँ के यंग लड़कों को अब यहाँ रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।